स्टूडेंट, तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ लिया था, काफी इजी था। एक दो बार अगर आपने किया होगा तो आपको 100% समझ में आया होगा। उसमें मैंने पाई बॉन्डिंग के भी बारे में बताया था, पाई बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग किस तरीके से होता है, वेकेंट और वाइटल हम किस तरीके से देखते हैं। मैंने धीरे धीरे स्टेप वाइज करके आपको थोड़ा 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 करके आपको हायर स्टेप तक ले गया था। तो वैसे ही आप लोगों को चलना है, वही वही कंसेप्ट वही चीज हमेशा आप लोगों को अप्लाई करना है बच्चों। तो अब हम देखते हैं बच्चों नया कंसेप्ट में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बच्चों होता क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका होता क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा और काफी सिंपल कंसेप्ट है। देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, एग्जांपल कौन सा, एक एग्जांपल मैंने लिया क्या, CH4। ठीक है, CH4 का नाम क्या था बच्चों, अभी से नाम ध्यान रखो, मेथेन। ठीक है, मेथेन, CH4 का नाम होता है मेथेन। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। नाउ अब देखो ध्यान से समझने वाली बात ये है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों, इसमें किस तरीके से निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल एटम, सबसे पहले सेंट्रल एटम। यहां पर सेंट्रल एटम क्या है बच्चों, कार्बन, कार्बन यहां पर सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम का ग्राउंड स्टेट में मैं यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहां तक बातें मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं बच्चों आप लोग, ये मैंने s ऑर्बिटल, ये मैंने 2p ऑर्बिटल बना दिए। ठीक है, दो ऑर्बिटल मैंने बना दिए। ठीक है, इस तरीके से। अब s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, और p में दो इलेक्ट्रॉन है। आप देखो यहां पर कितने एलिमेंट जोड़ने हैं मुझे, हाइड्रोजन। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल। ठीक है, s ऑर्बिटल मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और कितने कितने हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन। तो इसका मतलब मुझे चार इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, कार्बन का ग्राउंड स्टेट से मैं एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन को ले जाऊंगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन को जंप करा के मैं एक्साइटेड स्टेट में ले गया। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में मैं इस इलेक्ट्रॉन को ले गया, तो कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। देखो मैंने आपको यह भी बताया था और बोला भी था कि काफी घुमा के पूछा जा सकता है क्वेश्चन बच्चों। ये देखो यहां पर मैंने एस को लिख दिया 1 और पी को लिख दिया, यहां पर पी ऑर्बिटल बना दिया बच्चों, ये मैंने 3। देखो यहां पर एक्साइटेड स्टेट में अब क्या होगा कि ये चारों की चारों आपस में हाइब्रिडाइज होंगे। देखो यहां पर बात को ध्यान से समझना, ये एस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये आपस में हाइब्रिडाइज होंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइज होके क्या बनाएंगे बच्चों, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। बात क्लियर है? ठीक है, जो जिनका ओरिएंटेशन आपका किस तरीके से होगा, जो आपस में किस तरीके से ओरिएंट होंगे बच्चों, देखो ओरिएंटेशन विल बी अब देखो यहां मैं बता देता हूं किस तरीके से ओरिएंट होंगे बच्चों, वो एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, अब देखो ये इधर, यहां पर एक छोटा लोब और एक बड़ा लोब, थोड़ा सा इसको समझ लेना, यहां पर एक छोटा लोब और बड़े लोब वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, छोटे लोब और बड़े लोब वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब ये कार्बन का हाइब्रिड, कार्बन के ये सारे एटम आपके हाइब्रिड हुए। ठीक है, बात क्लियर है बच्चों। अब देखो सब में एक एक, हर हाइब्रिड में एक एक कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये मैंने कार्बन का बना दिया। नाउ अब देखते हैं कि यहां पर हाइड्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये आपके एस ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा,
ये भी आपके एस ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, ये भी आपके एस ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, और ये आपके एस ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। अब इस तरीके से आपका इसका हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर बनेगा। अब अगर मैं बोलना चाहूं कि एंगल, देखो इनके बीच का एंगल कितना होगा, एंगल जो होगा बच्चों इनके बीच का 108 मिनट, 38 मिनट, ठीक है। अगर मैं पी पी ऑर्बिटल को लेता तो पी ऑर्बिटल क्या होते बच्चों, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल आता, तो इसीलिए इसने इस तरीके से बना दिया। आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं एनर्जी की, ठीक है, एनर्जी एनर्जी की इसी में बात कर लेता हूं बच्चों में। देखो ऊपर जाएंगे तो एनर्जी आपकी बढ़ेगी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है ना। अब मैं बोल सकता हूं बच्चों यहां पर कौन कौन से, एक एस और तीन पी, ये तो हो गया आपका इनिशियल, इनिशियली, और फाइनल में क्या होगा, फाइनल में चार आपके sp3 वाले बनेंगे, तो फाइनल में आपका क्या होगा, ये आपका फाइनल कंडीशन, फाइनल कंडीशन में चार आपके sp3 वाले बनेंगे, ये बन गया। अब मैं अगर मैं एनर्जी का इक्वेशन लिखना चाहूं तो किस तरीके से लिखूंगा बच्चों, आप लोग समझ सकते हो, आप लोगों को बताया भी गया है, आप लोग समझ भी सकते हो, ठीक है। इसका एनर्जी का मैं किस तरीके से लिखूंगा, आपको मैंने अच्छे से बताया था बच्चों, आई होप सो कि आपको ध्यान होगा, ठीक है। इनिशियली ये हो गया, फाइनली ये हो गया। अब देखो इनिशियली एनर्जी, ये आपका इनिशियली, ठीक है, इनिशियली और ये फाइनल, ठीक है बच्चों। अब आप समझ सकते हो, देखो इनिशियली क्या होगा, ये आपका एस ऑर्बिटल है, ये आपका पी, ये आपका पी, ये आपका पी, ठीक है, ये आपका sp3, ये आपका sp3, ये आपका sp3, और ये भी आपका sp3, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब आप देख सकते हो बच्चों कि एनर्जी, एनर्जी ऑफ साई एस ऑर्बिटल प्लस यहां पर तीनों की एनर्जी सिमिलर, तो 3 एनर्जी ऑफ साई पी ऑर्बिटल इक्वल टू द 4 एनर्जी ऑफ ये आपका sp3 ऑर्बिटल, देन sp3 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी बच्चों, sp3 ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे निकालेंगे, एनर्जी ऑफ sp3 ऑर्बिटल इज इक्वल टू द साई एस, एनर्जी ऑफ साई एस प्लस एनर्जी ऑफ साई पी, यहां पर 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। अब हम बोल सकते हैं इस इक्वेशन से हमको क्या समझ में आ रहा है बच्चों, कि इस इक्वेशन से हमको समझ में आ रहा है कि एस ऑर्बिटल की एनर्जी कम, उससे ज्यादा sp3, उससे ज्यादा आपका पी, ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी किसकी, पी ऑर्बिटल की, उसके बाद आपका किसका sp3, sp3 के बाद आपका किसका बच्चों, एस ऑर्बिटल का। तो इस तरीके से हम यहां पर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ सकते हैं, काफी ईजी था, ठीक है। अभी हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को डिटेल करने हैं। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, एक और सिमिलर सिंपल एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमको एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है। यहां पर देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, यहां पर काफी इजी एग्जाम्पल है बच्चों, एक और एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको डील करना है, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, पहला है यहां पर, तो पहला एग्जाम्पल तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं बच्चों यहां पर दूसरा एग्जाम्पल किस तरीके से हम डील करेंगे। हाँ, एग्जाम्पल नंबर टू NH3। अब देखो NH3 के केस में हमको किस तरीके से समझना है, सेंट्रल एटम आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सेंट्रल एटम आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है। अब अगर मैं इसका ऑर्बिटल निकालना चाहूं तो इस तरीके से निकल जाएगा, ये मैंने इस तरीके से ऑर्बिटल निकाल दिया है, 1, 2, 1, 2, 3 ऑर्बिटल निकाल दिया, बात क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर 3 हाइड्रोजन है, तो आप लोग समझ सकते हो, ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, जहां पर मैंने 3 ऑर्बिटल है, ये देखो हाइड्रोजन का कौन सा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपका एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, या फिर मैं बोल रहा हूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि आपका क्या होता है, अनपेयर्ड होता है,
जो कि आपका क्या होता है बच्चों, अनपेयर्ड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कितने हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन है तो मुझे तीन अनपेयर चाहिए। यहां पर आपको देखो नाइट्रोजन के ग्राउंड स्टेट में ही, नाइट्रोजन के आपको ग्राउंड स्टेट में ही तीन अनपेयर मिल गए, नाइट्रोजन के ग्राउंड स्टेट में आपको तीन अनपेयर मिल गए। अब क्या होगा, ये एस, ये पी, ये पी, ये पी, अब इन्हीं सबका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, इन्हीं सबका क्या हो जाएगा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब इन्हीं सब ऑर्बिटल का जब आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4sp3 ऑर्बिटल बनेंगे, 4sp3 ऑर्बिटल बनेंगे, जो कि आगे जाके बच्चों ध्यान से समझना, जो कि आगे जाके ओरिएंटेशन होगा इनका। ओरिएंटेशन किस तरीके से होगा, ओरिएंटेशन आप लोग जानते हो कि ये 4sp3 ऑर्बिटल इस तरीके से कुछ ओरिएंट होंगे बच्चों, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, अब देखो यहां पर एक छोटा लोब, यहां पर एक बड़ा लोब, ये इधर, ये इधर। ठीक है, इस तरीके से मैंने ओरिएंट कर दिया। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, एक एक sp3 ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे पहले से प्रेजेंट। ठीक है, पांच इलेक्ट्रॉन है ना एक sp3 ऑर्बिटल में, दो इलेक्ट्रॉन पहले से होंगे, एक में एक, एक में एक और एक में एक। बात क्लियर है, ये सारे नाइट्रोजन के केस की बात कर ली। अब इसमें हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो जब मैं हाइड्रोजन को ऐड करूंगा तो ये आपका हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल। अब आप समझ सकते हो, देख सकते हो बच्चों कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल नाइट्रोजन का एक लोन पेयर इस तरीके से बना हुआ है। अब देखो ये जो हाइड्रोजन है, यहां पर आपका अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो देखो यहां पर सिग्मा बॉन्ड के साथ बन गया, सिग्मा बॉन्ड के साथ बन गया है। ठीक है, यहां पर सिग्मा बॉन्ड। अब क्या होगा कि ये लोन पेयर इसको रिपल करेगा, ये तो आपने VACPR में ही पढ़ लिया था। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन लोब ये एक दूसरे को रिपल करेगा, यहां पर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन एक्ट करेगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन एक्ट करेगा, तो बॉन्ड एंगल आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बॉन्ड एंगल। तो अगर मैं बात करूं यहां पर बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल आपके कितने हो जाएंगे बच्चों, थीटा। अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूंगा तो बॉन्ड एंगल आपका लेस देन 109° 28' हो जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैं इसको डील कर रहा हूं। ठीक है, बॉन्ड एंगल आ गया। अब देखो बॉन्ड एंगल आ गया, अब अगर मैं इसमें एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी का भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इनिशियली बात करूं, अगर मैं इनिशियली एनर्जी देखो, एस ऑर्बिटल का नीचे, तीन पी ऑर्बिटल का सिमिलर, और अगर मैं फाइनल फाइनल कंडीशन देखूं आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, तो चारों sp3 ऑर्बिटल इस तरीके से अरेंज होंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि sp3 सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सिमिलर है। तो अगर मैं एनर्जी इक्वेशन लिखना चाहूं तो एनर्जी ऑफ साई एस ऑर्बिटल प्लस थ्री, थ्री मतलब तीनों का सिमिलर है ना, तो तीनों की एनर्जी एक साथ में लिख दी पी ऑर्बिटल इक्वल टू द फोर एनर्जी ऑफ साई sp3 ऑर्बिटल। अब यहां से मैं अगर बोलना चाहूं एनर्जी ऑफ साई sp3 ऑर्बिटल इक्वल टू क्या जाएगा, एनर्जी ऑफ साई एस प्लस थ्री एनर्जी ऑफ साई पी डिवाइडेड बाई फोर। तो यहां से आपका एनर्जी का ऑर्डर भी आ जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि यहां पर मुझे साफ साफ दिख रहा है क्लियरली कि एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ sp3 ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ एस ऑर्बिटल, मतलब एस ऑर्बिटल की एनर्जी आपकी लेस होगी और सबसे ज्यादा होगी पी ऑर्बिटल की। तो इस तरीके से हमको यहां पर समझने को मिला। अभी हम इसमें एक और कंडीशन, एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमको डील करना है एग्जांपल से। ठीक है, एक और एग्जांपल जो कि आपको काफी इजी पड़ेगा बच्चों, जो कि आपको काफी इजी पड़ेगा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों यहां पर। ठीक है, एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर थर्ड, एग्जांपल नंबर थर्ड मैं बात कर रहा हूं H2O की। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल में आप लोग समझ सकते हो कि आपका सेंट्रल एटम कौन होगा बच्चों, H2O मॉलिक्यूल में आप लोग समझ सकते हो कि आपका सेंट्रल एटम कौन होगा। तो यहां पर H2O मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम को आप लोग इजीली समझ सकते हो कि कौन होने वाला है। तो यहां पर आपके H2O के लिए आपका सेंट्रल एटम देख लेते, यहां पर ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम।
ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम। अगर मैं बात करूं इसको क्या क्या बोलूंगा, 1s2 2s2 2p4। बात क्लियर है बच्चों? यहां पर देखो ये मैंने s बना दिया, ये मैंने p में चार इलेक्ट्रॉन बना दिए, ठीक है। ठीक है, सेंट्रल एटम से कौन सा एटम अटैच है बच्चों, टर्मिनल एटम कौन सा अटैच है बच्चों, यहां पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका टर्मिनल एटम प्रेजेंट है बच्चों यहां पर। तो सेंट्रल एटम से यहां पर हाइड्रोजन आपका टर्मिनल एटम प्रेजेंट है, तो क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन का अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है बच्चों, एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। बात को ध्यान से समझो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अब देखो यहां पर दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, यही सारे आपस में हाइब्रिड हो जाएंगे। अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब यहां पर जब आपका आप लोगों का हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या बनाएगा, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका किस तरीके से ओरिएंट होगा बच्चों, इसका ओरिएंटेशन किस तरीके से होगा, इसका आपका ओरिएंटेशन, बात को ध्यान से समझना, ये एक s, ये 3p, ये तीनों आपस में किस तरीके से ओरिएंट होंगे बच्चों, इस तरीके से देखो, वही सिमिलर है बच्चों, ज्यादा टिपिकल नहीं है, जितना ज्यादा हम लोग टिपिकल समझते हैं उतना ज्यादा केमिस्ट्री नहीं होता बच्चों, आप लोगों को तो काफी इजी लगेगा। देखो इस तरीके से ओरिएंट हो गए, ठीक है। अब मैंने ये बना दिया, बात को यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर एक जगह लोन पेयर आएगा, एक sp3 ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, एक sp3 ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, बट दो में कितने आएंगे, ये एक ये एक। अब देखो इससे कौन अटैच होगा, इससे आपका सिग्मा बॉन्डेड अटैच होगा हाइड्रोजन। देखो यहां पर आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा और यहां पर आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये दोनों तो लोन पेयर है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर, इसका मैं इससे सिंपल स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा बच्चों, यहां पर दो लोन पेयर इस तरीके से। अब ये तो मैंने VACPR में भी बताया था और यहां पर भी बताया था, लेकिन VACPR में एक्सपेरिमेंटल डेटा को आपको बताया था कि दो लोन पेयर होगा तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, एक लोन पेयर होगा तो ऐसा होगा, लेकिन यहां तो हम निकाल सकते हैं, यहां हम निकाल सकते हैं। आपको बताया ना फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल टू -1/p, तो P की वैल्यू रख देंगे तो एंगल भी आपकी आ जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको बताता हूँ, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर लोन पेयर रिपल्शन होगा, यहां पर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, VACPR लगा देंगे, तो यहां पर जो एंगल होगा थीटा विल बी लेस देन 109°28' एंड इट विल बी ऑल्सो लेस देन एंगल इन अमोनिया। अमोनिया के भी एंगल से छोटा होता है और इससे भी छोटा। अब देखो सीधी सी बात मैं बोलता हूं, नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेगा, नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा बॉन्ड एंगल। तो मैं क्या बोल रहा हूं, बात को ध्यान से समझना बच्चों, नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज देन बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज हो जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका एनर्जी का बनाने से आपको आपका मीनिंग नहीं है, एनर्जी का आप लोग खुद बना लोगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं बच्चों एक और एग्जांपल, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी कंसेप्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ रिलेटिव स्टडी करते हैं बच्चों, अब हम तीनों जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों वो यही है, ठीक है, यही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर रिलेटिव स्टडी ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इन तीनों की हम रिलेटिव स्टडी करते हैं बच्चों। अब क्या होता है एक्चुअली में इन तीनों का फंडा आप लोगों का काफी सिंपल होता है। अरे देखो इन तीनों का हम कंपेरेबल स्टडी करेंगे तो आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको क्वेश्चंस को डील करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर, देखो
यहां पर मैं बनाता हूं हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहां पर मैं बनाता हूं परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है, यहां पर मैं बनाता हूं परसेंटेज पी कैरेक्टर, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब मुझे परसेंटेज एस कैरेक्टर और परसेंटेज पी कैरेक्टर बताना है। तो सबसे पहले अगर मेरे पास एस पी ऑर्बिटल होगा, अगर मेरे पास एस पी ऑर्बिटल होगा तो ध्यान से समझना, अगर मेरे पास एस पी ऑर्बिटल होगा तो दो ऑर्बिटल में से एक एस है, तो दो ऑर्बिटल में से एक एस है मतलब डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 50% आपका एस कैरेक्टर होगा, और यहां पर अगर आपका क्या होगा, यहां पर आपका 50% भी आपका पी कैरेक्टर होगा। आप लोग निकाल सकते हो, दो ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल पी है, एक ऑर्बिटल एस है, ठीक है। तो यहां पर नीचे क्या क्या करना, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल लगा देना, एक एस है और एक पी है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल आप नीचे लगा दो और जितने ऑर्बिटल है उतने उसको ऊपर लिख दो, ठीक है। सेकंड देखो, sp2 में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने, 3 है, कितने एस है, एक एस है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा, 33.33%, ठीक है। या फिर अगर मुझे पी के लिए निकालना है तो कितना ऑर्बिटल है, पी का 2, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 66.66%, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड अगर मैं बात करूं यहां पर sp3 ऑर्बिटल की, तो sp3 ऑर्बिटल की बात करता हूं बच्चों, आपको बाद में बताऊंगा कि इन सबका क्या रोल है, बहुत बड़ा रोल है बच्चों इन सबका आपका बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं बात करूं तो इन सबका आपका काफी बड़ा रोल है केमिस्ट्री में, तो आप लोग समझना बात को। अगर मैं sp3 के केस के लिए बात करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, एक s ऑर्बिटल 4 है, तो यहां पर मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 25%, ठीक है। अगर मैं यहां पर बोलूं कि 3 ऑर्बिटल है p और ये 4, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा 75%। तो अगर मैं बात करूं p कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा है, यहां पर p कैरेक्टर परसेंटेज p कैरेक्टर का ऑर्डर कितना होगा, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, परसेंटेज p कैरेक्टर का ऑर्डर किसमें सबसे ज्यादा होगा। अगर मैं यहां पर एक और ऑर्बिटल बनाता हूं 4 और यहां पर 4 और यहां पर 4th में p बना देता हूं, ठीक है, p समझ लोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, p तो एक ही है, तो यहां पर आपका s तो 0 है, तो s 0 होगा तो कितना, 0%, ठीक है। और यहां पर एक p है, तो यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, आप लोगों का समझो बात को, 100%, ठीक है। तो अगर मैं परसेंटेज p कैरेक्टर की बात करूंगा तो किसमें सबसे ज्यादा है बच्चों, p ऑर्बिटल में ज्यादा होगा, उसके बाद किसमें होगा सबसे ज्यादा, sp3 में, उसके बाद किसमें होगा, sp2 में, उसके बाद किसमें होगा, sp में। लेकिन अगर मैं परसेंटेज s कैरेक्टर की बात करूं, किसकी बच्चों, परसेंटेज s कैरेक्टर की बात करूं, तो परसेंटेज s कैरेक्टर आपका किसमें सबसे ज्यादा होगा, एक तो s ऑर्बिटल में, अगर मैं इसके ऊपर s ऑर्बिटल बनाऊंगा तो आप लोग समझ सकते हो, अगर मैं s ऑर्बिटल बनाऊंगा तो s ऑर्बिटल में यहां पर कितना जाएगा, 1/1 मल्टीप्लाई बाय 100, और p ऑर्बिटल तो है ही नहीं, तो यहां पर 0 आ जाएगा, तो s ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका sp में, उसके बाद आपका sp2 में, उसके बाद आपका sp3 में, और सबसे लास्ट में आपका p में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने परसेंटेज s कैरेक्टर को बता सकते हैं। यहां तक अगर समझ में आ गया तो ठीक है। अब एक और फॉर्मूला है, यहां पर समझना बच्चों, यहां पर एक और फॉर्मूला होता है बच्चों परसेंटेज s कैरेक्टर निकालने का, परसेंटेज s कैरेक्टर और परसेंटेज p कैरेक्टर निकालने का। देखो, अब मैं एक सिंपल एग्जांपल में आपको एक फॉर्मूला बताता हूं कि यहां पर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग, कभी कभी जेई में ना पैसेज वाला क्वेश्चन आता है ना एडवांस में, वो इसी फॉर्मूले को लिख के देगा, तो आप लोग घबरा जाओगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग परसेंटेज एस कैरेक्टर और परसेंटेज पी कैरेक्टर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहां पर इस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, देखो, कोस थीटा इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन, ये मैं लिख दिया एक फॉर्मूला। अब आप लोगों को तकलीफ हो रही होगी, ऑब्वियसली बात है। अब देखो, अगर मैं एसपी के केस में बात करूंगा तो एसपी के केस में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, मैंने आपको बताया था हाइब्रिड ऑर्बिटल 180 डिग्री पे एक दूसरे से प्रेजेंट होते हैं, तो 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री रख के देखो, cos 180 डिग्री रख के देखो,
तो अगर आप कोस 180 डिग्री रख के देखोगे तो यहां पर आप जब निकालो कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कोस 180 की वैल्यू -1। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा ध्यान रखो, आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया होगा -1। अब इसको आप यहां ले जाओ, यहां मल्टीप्लाई किया तो -s + 1 = s, ठीक है। अब ये यहां जाएगा तो क्या जाएगा, 1 = 2s, देन s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 आ गया s, मतलब मल्टीप्लाई भाई इसको एंड में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो देखो 50%, मतलब आधा s है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से इसका मतलब देखो, इसका एक और तरीका है, देखो अगर मैं इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करके देखना, दोनों फॉर्मूला एक ही है, ये हो गया cos थीटा इक्वल टू p - 1/p, ये दोनों फॉर्मूला एक ही बच्चों, यहां पर भी 180 रखोगे तो इसका इसमें भी अगर आप रखोगे तो आपका 1/2 आ जाएगा। एक बार कोशिश करो आप इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करने की, इस तरीके के क्वेश्चन को, यहां पर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर आएगा, इसके लिए क्या आएगा परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, इसके लिए क्या आएगा परसेंटेज पी कैरेक्टर, इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली परसेंटेज पी कैरेक्टर आएगा, पी कैरेक्टर, और इससे आएगा परसेंटेज एस कैरेक्टर। देखो बच्चों अब आपको एक और चीज में बताता हूं, ये वाला फॉर्मूला आपका कुछ नहीं है, मैंने आपको बेवकूफ बनाया, मैंने आपको सिंपली क्या बनाया बच्चों, बेवकूफ बनाया, ये परसेंटेज पी कैरेक्टर। अब देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर आ गया, अब एस कैरेक्टर को अगर मैं 1 से माइनस कर दूं, एस कैरेक्टर को अगर मैं 1 से माइनस कर दूं तो अपने आप आपका क्या आ जाएगा परसेंटेज पी कैरेक्टर। तो अगर मैं एस को 1 से माइनस करूं तो यहां एस को 1 से माइनस किया, यहां एस को 1 से माइनस किया, मतलब एस की वैल्यू जो आया यहां पर एस की वैल्यू आ जाएगी, उसको अगर मैं 1 से माइनस करूंगा तो अपने आप आपका पी कैरेक्टर आ जाएगा। तो यहां पर सिंपल मैंने इसको उल्टा कर दिया है, ठीक है, आप इतना समझ कर रखो कि इसका उल्टा हो जाएगा तो पी आ जाएगा। आप इस फॉर्मूले को डेराइव भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं बात करूं यहां पर sp2 के लिए एंगल कितना होता है 120 डिग्री, ठीक है, अगर आप sp2 के लिए, मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं, मैं अब इसको यूज करता हूँ, चलो ठीक है दोनों को यूज कर सकते हैं बच्चों, लेकिन मैं अब इसको यूज करता हूं। देखो cos थीटा इक्वल टू p - 1/p, ठीक है, थीटा की वैल्यू 120 यहां रख सकते हैं, तो cos 120 डिग्री इक्वल टू p - 1/p, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, 120 की वैल्यू -1/2 इक्वल टू p - 1/p, अब p की वैल्यू यहां भेज दो तो कितना हो जाएगा -p/2 p - 1, अब ये 1 है ये यहां जाएगा, या फिर इसको यहां भेज दो, इसको यहां भेज दो, तो क्या आ जाएगा बच्चों 1 = 1 और आधा मिलके क्या बनेगा बच्चों 1.5, मतलब वो एक और आधा मिलकर 1.5, ये एक पी है ये आधा पी है, तो 1.5 मतलब 3/2 लिख सकता हूं, 3/2 p, देन पी इक्वल टू क्या जाएगा 2/3, और 2/3 अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों 66%, और आप देख सकते हो जो मैंने इंडेक्स में बताया था वैसा ही आपका आंसर आ गया यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर परसेंटेज पी का कैरेक्टर और परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना हो तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूँ, तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। कई कई बार आपको पूछ लिया गया है बच्चों, ये चीजें आपको कई कई बार पूछ ली गई है, इसलिए मैंने आपको ये लिखवा दिया है, वरना इसकी उतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर पूछ लिया गया है तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट अब हम समझते हैं इसमें, अब मैं आपको एक एक करके पूरी स्टडी बताऊंगा इसमें, और इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर मैं एनर्जी की बात करूंगा इसी में एनर्जी, अब देखो एनर्जी की बात करूंगा तो एनर्जी का क्या होता है बच्चों, यहां पर एनर्जी में हम सिंपली क्या बोल सकते हैं बच्चों, ध्यान से, जो एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियाई की काफी क्लोज होता है, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल बात बोलता हूं, एस ऑर्बिटल
एस ऑर्बिटल क्लोज टू न्यूक्लियाई, क्लोजर टू न्यूक्लियाई, क्लोजर टू न्यूक्लियाई। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियाई के क्लोजर होता है, ठीक है, क्लोजर टू न्यूक्लियाई। जब एस ऑर्बिटल क्लोजर टू न्यूक्लियाई होता है देन अट्रैक्शन फोर्स विल बी मैक्सिमम इन एस ऑर्बिटल एस कंपेयर टू पी ऑर्बिटल, एस कंपेयर टू पी ऑर्बिटल। बात समझ में आई, बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि एस ऑर्बिटल आपके क्लोजर टू न्यूक्लियाई होता है, मतलब आपका क्या होता है देन अट्रैक्शन फोर्स विल बी मैक्सिमम टू आपका एस ऑर्बिटल, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स अगर आपका मैक्सिमम होगा तो मतलब क्या बोल सकते हो देन कंपेयर टू पी ऑर्बिटल, देन फाइनली वी कैन से दैट, अब मैंने अट्रैक्शन फोर्स की बात की है तो फाइनली वी कैन से दैट एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल की एनर्जी आपकी दूर होती है तो मतलब उतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, मतलब ध्यान से समझो जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा वैल्यू माइनस, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी, माइनस वैल्यू में आएगी, तो अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा लगेगा एनर्जी उतनी डिक्रीज होगी, ठीक है। देन एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिटल इज मैक्सिमम इज एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एस ऑर्बिटल। ये बात आपको समझ में आ गई, हैंस वी कैन से दैट परसेंटेज पी कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी एंड परसेंटेज एस कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, अब मैंने पूरा टर्म लिखा दिया। अगर मैं बोलना चाहूं अब एनर्जी किसकी ज्यादा है तो आप लोग समझ सकते हो कि एनर्जी आपकी किसकी होगी सबसे ज्यादा, पी में तो 100% पी कैरेक्टर है, उसके बाद आपका sp3 है, उसके बाद आपका sp2 होगा, उसके बाद आपका sp होगा और उसके बाद आपका p होगा। देखो यहां पर देख सकते हो आप, यहां पर आप देख सकते हो इसका 100% p करेक्टर है तो एनर्जी सबसे ज्यादा, इसका 75 है तो एनर्जी थोड़ी सी इससे कम। अब आप लोग धीरे धीरे समझ गए होंगे कि मैंने एनर्जी के टर्म में कैसे जमाया, काफी ईजी है, एक दो बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं साइज की, और अगर मैं बात करूं साइज की तो साइज की बातें भी मैं यहीं से आपको समझा सकता हूं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। अब साइज में भी मैं आपको न्यूक्लियाई के बारे में बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर सिंपली देखो, सिंपली मैं आपको यहां पर अगर आपको एनर्जी एस ऑर्बिटल की क्यों ज्यादा हुई, नहीं वो आपके एस ऑर्बिटल न्यूक्लियाई क्लोज क्यों हुआ, पी ऑर्बिटल आपके न्यूक्लियाई से ज्यादा क्यों हुआ, वो मैं साइज से आपको बता दूंगा, समझ लेना बच्चों। साइज अगर मैंने यहां पर लिखा साइज, अब अगर मैं साइज लिखता हूं तो ये एस ऑर्बिटल का ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका एस ऑर्बिटल, ये आपका पी ऑर्बिटल, ठीक है, ये आपका पी ऑर्बिटल, थोड़ा सा कर लेते समझ लेते, ये यार ये आपका पी नहीं बनाते, सबसे पहले एसपी ऑर्बिटल, ये मैंने बना दिया एसपी ऑर्बिटल, ये मैंने बना दिया आपका sp2 ऑर्बिटल, ये मैंने बना दिया आपका sp3 ऑर्बिटल, ये मैंने बना दिया आपका पी ऑर्बिटल, ठीक है, ये मैंने तीन ऑर्बिटल बनाई, ये आपका एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, ये आपका sp ऑर्बिटल, ये आपका sp2 ऑर्बिटल, ये आपका sp3 ऑर्बिटल, ये आपका sp ऑर्बिटल, ठीक है, प्योर पी ऑर्बिटल। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब sp ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होंगे तो p के पास डंबल शेप होता है, ठीक है, s के पास कौन सा शेप होता है, स्फेरिकल। तो आप लोग ध्यान से देख सकते हो कि जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा s कैरेक्टर आपका जितना ज्यादा होगा, s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्फेरिकल शेप, मतलब अगर मैं बोलना चाहूं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्फेरिकल शेप किसमें होगा, इसमें
एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्फेरिकल शेप, ठीक है, शेप आपका स्फेरिकल हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं पी कैरेक्टर, प्रेजेंट टेंस पी कैरेक्टर आपका जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा ऑर्बिटल आपका डंबल शेप का हो जाएगा, डंबल शेप का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अगर मैं डंबल कैरेक्टर, डंबल लेंस की बात करूंगा, डंबल लेंस, तो इन तीनों में जिसका पी कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका डंबल लेंस ज्यादा होगा। अगर मैं बात करूं स्फेरिकल शेप, तो इन तीनों में जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, स्फेरिकल कैरेक्टर का। बात क्लियर है बच्चों, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अगर मैं साइज की बात करूंगा तो साइज में आप समझ सकते हैं एस ऑर्बिटल का साइज आपका पी ऑर्बिटल से कम होता है, एस ऑर्बिटल का साइज आपका पी ऑर्बिटल से कम होता है। बात क्लियर है। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा साइज आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा साइज आपका डिक्रीज होगा, और जितना ज्यादा पी कैरेक्टर होगा उतना आपका साइज बढ़ेगा। देखो अगर पी कैरेक्टर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, अगर एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो साइज आपका डिक्रीज होगा। बस इस बात को समझो। तो आप देख सकते हो कि साइज आपका किसका सबसे ज्यादा होगा, साइज भी आप लोग निकाल सकते हो। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया गया है और इसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा शेप के बारे में बताया। तो शेप के बारे में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इन सब चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है बस। और अगर आप ध्यान से अगर आप शेप को देख लोगे तो आपको अपने आप एक्सप्लेनेशन इस चीज का आ जाएगा। काफी सिंपल है, दो से तीन बार करोगे 100% मैं श्योर हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है, काफी इजी कंसेप्ट है। नाउ अब हम चलते बच्चों यहां पर मैंने साइज के बारे में बता दिया, ठीक है। अब मैं यहां पर चलते बच्चों इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में देख लेते बच्चों। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बच्चों, मैं आपको सिंपल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके कौन से ऑर्बिटल की ज्यादा होती है, क्यों होती है, मैंने sp sp2 और sp3 में बता रहा हूं। तो आप देख सकते हो कि यहां पर sp ऑर्बिटल मैंने इस तरीके से बनाया, sp2 ऑर्बिटल मैंने इस तरीके से बनाया, ठीक है, और sp3 ऑर्बिटल मैंने इस तरीके से बनाया, ठीक है। अब ये आपका जो सेंटर पॉइंट है, ये जो आपका नोड यहां पर क्लोज हो रहा है, यहां पर क्या है, यहां पर मान लो ये न्यूक्लियाई है, ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, आप लोग मान लो न्यूक्लियाई है। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, आप लोग खुद बताओ बच्चों, कोशिश करो। तो यहां पर, ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, आप देखो यहां पर पुलिंग टुवर्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बच्चों, अपनी ओर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचना, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचना। तो यहां पर हम बोल सकते हैं पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड न्यूक्लियाई, इसके रेस्पेक्ट में मैंने ये बोल दिया। तो न्यूक्लियाई किसको ज्यादा पुल करेगा, जो ज्यादा क्लोज होगा, ये वाला ज्यादा क्लोज है, ये वाला देखो कितना दूर है, ये वाला देखो कितना दूर है, जो ज्यादा दूर होगा उसको पुल नहीं कर पाएगा, मतलब पुल मतलब नहीं कर पाएगा, मतलब खींच नहीं पाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन खींचेगा बच्चों, जिसके बीच डिस्टेंस आपका कम होगा, तो यहाँ पर पुलिंग होता है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट क्या था, पुलिंग टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर पुलिंग टुवर्ड न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियाई की तरफ अपने आप खींचेगा। अब ये जितना ज्यादा बच्चों आप लोगों का पुलिंग होगा, पुलिंग आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर के। एक्चुअली में हम लोग सिंपल बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पी कैरेक्टर, लेकिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पुलिंग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल में होते हैं वो न्यूक्लियाई द्वारा पुल किए जाते हैं। न्यूक्लियाई उसको क्या करता है बच्चों, पुल करता है। अब न्यूक्लियाई अगर उसको पुल करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी वही ज्यादा पुल करेगा,
तो यहां पर भी देख सकते हैं आप लोग कि sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एस कंपेयर टू sp2, एस कंपेयर टू sp3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने आपको ऑर्डर बता दिया है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कई बार आपसे सिंपल डायरेक्टली पूछते हैं, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि विच हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन आपको क्या लिखना चाहिए, sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एस कंपेयर टू sp2, एस कंपेयर टू sp3। आई होप सो कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। काफी इजी कंसेप्ट है, काफी इजीली फंडामेंटल कंसेप्ट है। आप लोग इसको एक बार नोट डाउन करो, मैं फिर इन्हें रब करता हूं बच्चों। तो अब हम समझते हैं बच्चों यहां पर अब मैं आपको सिंपल बताता हूं, यहां पर समझना। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बाय ओवरलैपिंग, आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, आप लोग जानते हो यहां पर आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बात क्लियर है। अब मैं आपको सिंपल लिखा देता हूं, sp3 और sp3 से जो ओवरलैप होगा उसका ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, फिर आपका sp2 और sp2 से जो ओवरलैप होगा उसका ज्यादा बॉन्ड होगा, फिर आपका sp और sp से जो ज्यादा बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड वो आपका वीक होगा। मतलब अब हम यहां पर बोल सकते हैं सिंपली कि हाइब्रिड ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल इन नेचर। सो आपका क्या होगा बच्चों, अब देखो जितना ज्यादा डायरेक्शनल नेचर होगा, देखो मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया था ओवरलैपिंग में, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शनल नेचर। ठीक है, डायरेक्शनल नेचर जितना ज्यादा आपका डायरेक्शनल नेचर होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब देखो जितना ज्यादा पी कैरेक्टर, देखो एस का तो कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, आपका एस इज अ नॉन डायरेक्शनल नेचर, एस आपका किस टाइप का नेचर रखता है, नॉन डायरेक्शनल टाइप का, लेकिन यहां पर पी क्या होता है, डायरेक्शनल नेचर का होता है। अब पी जब आपका डायरेक्शनल नेचर का होगा तो पी आपका जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि यहां पर पी पी के बीच, यहां पर sp3 के बीच जो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, sp2 के बीच और sp के बीच, और आप बोल सकते हो क्या बोल सकते हो कि ss के बीच आपका कम होगा और सबसे ज्यादा आपका किस किस के बीच होगा, pp के बीच। तो आप लोग समझ सकते हो कि pp का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, pp अगर ओवरलैप होगा तो ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, अगर sp3 हुआ तो वो भी आपका ज्यादा होगा लेकिन इन तीनों से कम होगा। ठीक है, तो ये सारे आपके फंडे आपके काम आएंगे कहां, ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में। ये सारे जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में काम आएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान से समझो बच्चों, आई होप कि आप लोगों को यहां तक इजिली समझ में आया होगा, यहां तक आप लोगों को इजिली समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और कंसेप्ट बता देता हूं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, अगर मेरे पास एसपी ऑर्बिटल है, कौन सा एसपी ऑर्बिटल है, अब देखो एसपी ऑर्बिटल बनने की चांस इतने हैं कि एसपी ऑर्बिटल में आपका कितना होगा बच्चों, सिंपल बोल सकते हो कि यहां पर एसपी ऑर्बिटल में तीन केस बनने के चांसेस है, कितने केस बच्चों, तीन केस। ठीक है, तीन केस मतलब आप सिंपल बोल सकते हो कि एसपी ऑर्बिटल में अगर बनने के तीन केस है, देखो अगर आपका एक सिग्मा बॉन्ड होगा तो इसका मतलब एसपी ऑर्बिटल होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा तो इसका मतलब आपका एसपी होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी में अगर आपका बीच वाला सिग्मा है तो ऊपर नीचे वाला पाई, ये आपके इस एटम के ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस एटम के ऊपर। ठीक है, तो कौन सा एटम ले रहे हैं, पाई बॉन्ड आपका वेरी करता है लेकिन आपका यहां पर आपका ये वाला बॉन्ड आपका वेरी नहीं करेगा, सब में वन सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक है, चलो ठीक है, इसको हटाता हूं बच्चों, में आपको एक सिंपल बताता हूं। अब देखो यहां पर when C is सेंट्रल एटम, C आपका अगर सेंट्रल एटम हुआ तो देखो अब
अगर मैंने ऐसा बना दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर तो एच एच है तो इन दोनों के ओवरलैपिंग से देखो ये बीच वाला एक सिग्मा और ऊपर नीचे वाला क्या हो जाएगा बच्चों पाई बॉन्ड, तो एक सिग्मा और दो पाई, ये आपके ऑर्गेनिक में काफी काम आएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने ये वाला बना दिया, देखो अब इसमें क्या होगा, दो बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा, ठीक है, और यहां पर एक पाई। ठीक है, अब यहां पर मैं अगर बात करूं यहां पर कि यहां पर मैंने बात कर लिया इस तरीके से, तो यहां पर क्या है एक सिग्मा जीरो पाई। ठीक है, तो इस तरीके से देखो अगर आपका डबल बॉन्ड होगा तो एक पाई होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो दो पाई बॉन्ड बॉन्ड होंगे। तो मैं सिंपल क्या बोल सकता हूं, हैंस हैंस में क्या बोल सकता हूं, इफ, अब मैं सिंपल बता देता हूं आपको, इफ इफ अगर आपके ए ए ए, ठीक है, अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ऊपर नीचे वाला पाई और एक सिग्मा फॉर ट्रिपल बॉन्ड के लिए, या आपका ट्रिपल बॉन्ड के लिए, अगर मैं बात करूं डबल बॉन्ड के लिए तो डबल बॉन्ड के लिए मैं क्या बोल सकता हूं, एक पाई होगा तो एक सिग्मा होगा, या आपका किसके लिए बच्चों डबल बॉन्ड के लिए, बात क्लियर है। अगर मैं बात करूं यहां पर अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूं तो सिंगल बॉन्ड में ओनली एक सिग्मा होगा, या आपका सिंगल बॉन्ड के लिए, तो इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इन एथेनोइक एसिड। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं फिर मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड किस में होगा, तो एथेनोइक एसिड का मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं। देखो बच्चों जितने भी होंगे सबको आपको लिखना है, सारे बॉन्ड को आप खोल दो। ठीक है, अब आप देख सकते हो जो जो सिंगल बॉन्ड है वो आपका सिग्मा बॉन्ड, तो यहां पर ये आपका सिग्मा बॉन्ड, यहां पर ये आपका सिग्मा बॉन्ड, यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो काउंट करो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉन्ड आपके सिग्मा है। अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूंगा तो कितने, ये एक पाई बॉन्ड है केवल और केवल एक पाई बॉन्ड है बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, काफी इजी, अगर आप एक दो बार करना चाहोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और भी स्ट्रक्चर्स का हम निकाल सकते हैं लेकिन इसका थोड़ा सा ध्यान से समझो। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको आज का यहां तक का कंप्लीट समझ में आ गया होगा, रिलेटिव स्टडी समझ में आ गया होगा, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं कल के लेक्चर में और एग्जांपल लूंगा ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आई होप सो कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, सो थैंक यू सो मच।